हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग टाइम आज मैं कर रहा हूँ ब्लॉग, और आज का ये ब्लॉग कुछ ज़्यादा स्पेशल है। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स है वो मंगाए थे, आज करते हैं उन प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग। वैसे तो आप लोग समझ ही चुके होंगे थंबनेल देख करके, बट फिर भी करते हैं अनबॉक्सिंग, बताता हूँ आपको मैं। तो सबसे पहले है हीरो GoPro 8, फिर बाद में है इसका GoPro का मीडिया मोड, और तीसरा है इसकी बैटरी, जो कि बैटरी की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसकी GoPro की बैटरी इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए मैंने बैटरी, एक्स्ट्रा बैटरी और ड्यू बैटरी चार्जर भी मंगाया था, लेकिन मेरे दोनों हाथ भरे हुए हैं, तो तीसरा जो बैटरी वो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगी। देखो ये रही बैटरी। तो आज करेंगे हम इन तीनों की अनबॉक्सिंग। सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं हम हीरो GoPro 8। तो ये पूरी तरह से पैक है अभी, तो ये इसके साथ में है 1 ईयर वारंटी कार्ड, 1 साल की वारंटी भी दी है इसके साथ में। ये कुछ काम का नहीं है। नए प्रोडक्ट की जो खुशबू होती है ना इनबॉक्स में, बहुत शानदार होती है यार। तो पहले अनबॉक्स करने से पहले आपको मैं बता दूं, मैं है 12 मेगापिक्सल कैमरा और 4K 60 पे शूट होता है, 1080 पे स्लो मोशन भी है इसमें, हाइपर स्मूथ भी है। सबसे बेस्ट बात इसकी हाइपर स्मूथ है, इस वजह से मैंने ये GoPro लिया है। मेनली मुझे ये ट्रैवलिंग करते वक्त मुझे हेलमेट में माउंट करना है। टाइम रैप भी है, 1080 लाइव स्ट्रीमिंग भी है इसके अंदर, लाइव बर्स्ट भी है, सुपर फोटो है, रो, काफ़ी सारे चीज़ें हैं इसमें। और इसके साइड में इसको अपन फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, ये डिटेल दी हुई है। और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, ये शायद यहाँ से खुलता है। पैकिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, ये बहुत प्यारा है। इसकी एसेसरीज इसके अंदर है, बाकी इस बॉक्स में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये ग्लास का था ताकि शो ऑफ के लिए, ताकि GoPro दिखे, समझ रहे हो ना आप थोड़ा। ठीक है, तो ये काम करेगा। हाँ, इसको यहाँ से खोलते हैं। इसमें पहले खोलने तो दे यार, तू पहले बाहर आएगा क्या। तो ये है GoPro प्लस अनलिमिटेड क्लाउड, ये काम करने तय को, ये भी कुछ काम करने तय को, ये भी कुछ काम करने, ये GoPro के स्टिकर, ये एप्पल वाले भी स्टिकर देते हैं, इनको लगाए कहाँ स्टिकर, तो कोई काम के नहीं। और इसका यूज़र मैनुअल तो इसके साथ में, ये सी टाइप केबल, हेलमेट माउंट, ये है इसकी बैटरी। बैटरी बहुत छोटू सी टिंगू सी है, 7 और 8 की बैटरी सेम है। वैसे तो अगर आपके पास हीरो 7 की बैटरी है, एक्स्ट्रा बैटरी है, तो आप उसको हीरो 8 में भी यूज़ ले सकते हैं। तो डिफरेंस इतना ही है कि इसमें यहाँ ये पार्ट ब्लू दे दिया, बाकी ये GoPro की ब्रांडिंग है यहाँ पे। ठीक है, मेन हमारा GoPro, इसको तो खोल लें। फाइनली ये आज मेरे हाथ में है, काफ़ी वेट करना पड़ा इसके लिए। और इस GoPro हीरो 8 की सबसे प्यारी और सबसे ख़ास बात मुझे ये लगती है, इसकी है फिंगर माउंट, क्योंकि हीरो 7 में इसके लिए अलग से केस लेना पड़ता था, लेकिन इसमें खुद के अंदर सेल्फ में ही फिंगर माउंट दे दिए, और काफ़ी अच्छी बात है। और जब आपको कहीं माउंट करना है तो आप इसको ओपन कर लीजिए, और आपको माउंट नहीं करना है तो आप इसको वापस बंद कर सकते हैं। और एकदम छोटा सा प्यारा सा कैमरा है, और सबसे बेस्ट एक्शन कैमरा है। तो अब इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इसका ये स्टिकर उतारते हैं जो स्क्रीन पर लगा हुआ है। हम खोल चुके हैं इसका लेफ्ट साइड में, तो 8 ब्लैक लिखा हुआ है, एंड एक ये पावर बटन है। इसके ऊपर साइड में रिकॉर्डिंग ऑन करने का बटन है, और राइट साइड में इसके है बैटरी का केस, जिसको बैटरी यहाँ डलती है, मेमोरी कार्ड यहाँ डलता है, जिसको ओपन करने के लिए अपन को ये छोटा सा शटर है इसका, ये खोलना पड़ता है, देन इसको ओपन होता है। अरे अभी टूट गया, अच्छा सॉरी टूटा नहीं, ये दरवाज़ा खुलता है इसका। चलिए, और यहाँ डलती है इसकी बैटरी, और ये इसका मेमोरी कार्ड स्लॉट है, ये सी टाइप चार्जर चार्ज करने के लिए इसको। तब इसके अंदर बैटरी डालते हैं, देन इसको ऑन करते हैं। बैटरी कुछ इस तरह से इसके अंदर जाएगी, एंड देन जो हमने इसका ये दरवाज़ा तोड़ा है, तो इसको वापस लगा देते हैं। अब ये तोड़ना आता है, लगाना किसे आता है। हम बैटरी डाल दी है, इसको करते हैं ऑन। तो ये यहाँ से ऑन होता है, और इसका बहुत ही प्यारा छोटा सा डिस्प्ले है। वेलकम GoPro। इसको GoPro, अब इसमें पहले मेरे को सब कुछ सेटअप करना पड़ेगा, लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है।
ये ओके डन। मैं आपको सामने डिस्प्ले मिल जाता है कि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं है। अभी इसमें मेमोरी कार्ड नहीं है तो ये दिखा रहा है कि मेमोरी कार्ड नहीं है। बैटरी भी इसकी 18% है, बैटरी लेवल भी दिखाता है, और आप 1080p शूट कर रहे हैं तो वो भी शो कर रहा है। एंड इसमें माइक भी यही है, सबसे अच्छी बात इसकी ये है। और दूसरा, अगर आपका GoPro ऑफ है और आपको अचानक से कुछ सीन नज़र आता है तो आप डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ इस बटन को, रिकॉर्डिंग बटन को दबाएंगे तो आपका GoPro ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और सीधा आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर मैनुअल की कुछ फंक्शंस की बात कर रहे हैं। राइट स्लाइड करने पे इसका फोटो मोड ऑन होता है, इसको लेफ्ट स्लाइड करने पे इसका वीडियो मोड ऑन होता है, और ऑल लेफ्ट टाइम लैप्स आता है इसका। तो अभी जैसे कि वीडियो मोड पे जाते हैं, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं बता पाऊँगा अभी मैं। तो वीडियो मोड में स्टैंडर्ड है, इसके कुछ फंक्शंस हैं, सेटिंग एडजस्ट योर सेटिंग कस्टम। ये GoPro खुद कुछ ऑप्शन देता है स्टैंडर्ड एक्टिविटी, आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, सिनेमेटिक का भी ऑप्शन है, एंड देन है इसमें स्लोमो। तो ये काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। सेकंड है इसका फ़ोटो मोड, तो फ़ोटो के अंदर भी यही सेम ऑप्शंस है, आप इसमें फ़ोटो ले सकते हैं, लाइव बस दे सकते हैं, नाइट मोड में भी अच्छी है। बट ये GoPro एक्शन कैमरा के मामले में सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा लाइट वेट है और सबसे ट्रस्टेबल कंपनी है, क्योंकि एक्शन कैमरा में सबसे पुराना ब्रांड है GoPro। हीरो 8 मुझे लेना ही था और वो फाइनली अब ले लिया मैंने। तो अब इसके साथ में मैंने लिया है एक तो मीडियम मोड, जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत थी। हीरो 7 में क्या था कि आपको अलग से जैक लगाना पड़ता था माइक के लिए, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं था कि आप डायरेक्ट माइक कनेक्ट कर सकें। तो इसलिए हीरो 8 के लिए ये सबसे बेस्ट चीज़ आई है, मीडियम मोड। तो इस मीडियम मोड को भी अब अनबॉक्स करते हैं। ये कुछ काम करनी है, ये भी कुछ काम करनी है। ये आया है इसके साथ में एक इसका माउंट, जो कि अरे निकल गया। और ये है हमारा मीडियम मोड, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसमें मीडिया मोड में आप यहाँ एक माउंट लगा सकते हैं, बेसिकली लाइट लगा सकते हैं यहाँ पे, या माइक लगा सकते हैं, और यहाँ लाइट लगा सकते हैं। आप दो चीज़ें माउंट कर सकते हैं। और ये है माइक। अब इसके अंदर GoPro कैसे इंस्टॉल होता है वो मैं आपको बताता हूँ, वही सेम प्रोसेस है। इसको थोड़ा खींचना पड़ेगा और ऐसे खुलेगा ये, देन आपको अपना GoPro लेना है। पहले इसको बंद करते हैं। GoPro लेना है, इसका ये दरवाज़ा तोड़ के फेंकना है, ऐसे फेंकना नहीं है, मैं ठीक है समझ गया, मैं आप फीलिंग समझा करो। तो ये इसमें सी टाइप जैक है, इसके अंदर आपका ये जो GoPro का जैक है, चार्जिंग जैक, वो इसके अंदर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत इजीली और बहुत ही प्यार से जाता है। तो ये इस तरह जाता है कुछ, फिर इसको थोड़ा सा प्रेस करें, ज़्यादा नहीं वरना टूट जाएगा। तो ये इस तरह से बंद हो जाएगा और ये बहुत प्यारा लग रहा है सच में। अपने माइक कनेक्ट करने के लिए ये डायरेक्ट ऑप्शन आ गया, इसीलिए मैंने GoPro का ये मीडिया मोड लिया, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल अडैप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आप अपना माइक यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। 2.0 को यूज़ लेके आप सीधा ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। यहाँ आपने माइक लगाया, यहाँ आपने लाइट लगाई, एंड देन बन गया ये आपका ब्लॉगिंग सेटअप। तो ये मेरा कम्प्लीट GoPro Hero 8 है, और इसके साथ में मैंने इसकी मंगाई है ड्यूल बैटरी चार्जर, जो कि ये है, और ये इसके साथ में सी टाइप केबल, जैसा कि सबके साथ आती है, ये इसकी एक्स्ट्रा बैटरी, और ये इसका ड्यूल बैटरी चार्जर। इस पर भी GoPro की ब्रांडिंग है भाई, हर जगह नाम तो चाहिए अगले को, इतना काम कर रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है। और ये भी पैक हो, ये इसकी सी टाइप केबल आ गई, ये GoPro आ गया, ये और क्या था, बस इतना ही सामान, और इतने सामान में खर्चा हो गया बहुत सारा। अब ठीक है, जो भी जैसा भी, धीरे धीरे राइड स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अब अपने पास बेस्ट कैमरा है विथ मीडिया मोड, तो ना तो आवाज़ में कोई, वॉइस में कोई दिक्कत आएगी, ना ही वीडियो में। वीडियो क्वालिटी आने वाले टाइम में बहुत अच्छी होने वाली है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शबा खैर, अलविदा, टाटा बूम।